ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम आप सभी को दे रहे हैं रोजगार समाचार, तो चलिए भाई चलते हैं और देख लेते हैं कि रोजगार समाचार में नेशनली कौन कौन सा वो विभाग है या फिर कौन कौन सी वो कंपनियां हैं जो कि आपका इंतजार कर रही है। पहली जो कंपनी आपको नेशनली ढूंढ रही है वो है वसन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, और जो पद इस कंपनी के पास आपके लिए अवेलेबल है वो पद है कंसल्टेंट ऑप्थोमोलॉजिस्ट का पद। अगर बात करें लोकेशन की तो वेरियस लोकेशंस ऑफर कर रही है कंपनी आपको, जैसे कि पुणे, लखनऊ, रायपुर और नागपुर की लोकेशंस। अगर बात करें योग्यता की यानी कि क्वालिफिकेशन की तो MBBS आपने किया हुआ होना चाहिए इस नौकरी के लिए। साथ ही अनुभव की बात करें तो 1 से 6 साल का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए, और सिर्फ 15 सीट्स अवेलेबल हैं यहां पर आपके लिए, तो जल्दी से अप्लाई कीजिए। साथ ही अगर नौकरी आपको पसंद और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं और अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इनके ईमेल आईडी पर। इनका ईमेल आईडी का पूरा पता इस प्रकार है doctors.wasanwest@gmail.com। साथ ही इनका दूसरा ईमेल आईडी इस प्रकार है ankurkhare.wasan@gmail.com। इस पर से आप आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं जैसे कि ईमेल भेजने में आपको कोई भी परेशानी ना हो। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेशनली कौन सी अगली कंपनी है जो कि आपका इंतजार कर रही है। तो अगली कंपनी है SN फैसिलिटीज, और जो पद यहां पर आपके लिए अवेलेबल है वो पद है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का पद। अगर बात करें लोकेशन की तो पुणे, मुंबई, भुवनेश्वर की लोकेशंस ऑफर कर रही है कंपनी आपको। साथ ही योग्यता के नाम पर MBA या PGDM आपने किया हुआ होना चाहिए अगर आप इस नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। साथ ही अगर अनुभव की बात करें तो 0 से लेकर 2 साल का अनुभव डिमांड करती है कंपनी आपसे, यानी अगर आप फ्रेशर हैं तो भी बेझिझक इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही 3 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए का सालाना पैकेज ऑफर कर रही है कंपनी आपको। साथ ही अगर नौकरी आपको पसंद है और आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं इनकी वेबसाइट पर जो कि www.snfacilities.com। इस पर से आप अपनी टीवी स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं। साथ ही आप इस कंपनी से फोन से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपके मन में जितनी भी क्वेरीज है जॉब से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, वो सारी क्वेरी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इनका फोन नंबर है 09040150559। साथ ही इस कंपनी से आप ईमेल के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट और अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड कर सकते हैं। इनका ईमेल आईडी का पूरा पता इस प्रकार है info.snfacilities@gmail.com। दोस्तों अगर आप इंडिया से बाहर नौकरी की तलाश में हैं तो हम रोजगार समाचार में आप सभी के लिए लेकर आए हैं कुछ इंटरनेशनल जॉब्स। तो चलिए आइए एक नजर डाल लेते हैं उन इंटरनेशनल जॉब्स पर। तो पहली जो कंपनी आपको इंटरनेशनली ढूंढ रही है वो है जिंदल, तो कंपनी है जिंदल सॉ लिमिटेड, और जो पद यहां पर आपके लिए अवेलेबल है वो पद है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेंट का पद। अगर बात करें लोकेशन की तो दुबई की लोकेशन ऑफर कर रही है कंपनी आपको। अगर बात करें योग्यता की तो CA ICWA और MCOM आपने किया हुआ होना चाहिए अगर आप इस नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। साथ ही अगर अनुभव की बात करें तो 3 से 7 साल का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए, और अगर पैकेज की बात करें तो 10 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए सालाना का जो कि बड़ा ही शानदार सा पैकेज है वो ऑफर कर रही है कंपनी आपको। अगर नौकरी आपको पसंद है और आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं इनकी वेबसाइट पर जो कि www.jindalsaw.com। इस पर से आप आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन सी वो कंपनी है जो कि इंटरनेशनली आपका इंतजार कर रही है। तो अगली कंपनी है इंडिया इंटरनेशनल टेक्निकल रिक्रूटर, और जो पद यहां पर आपके लिए अवेलेबल है वो पद है मेडिसिन कंसल्टेंट का पद। अगर बात करें लोकेशन की तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके की लोकेशन ऑफर कर रही है कंपनी आपको। साथ ही योग्यता के नाम पर पोस्ट ग्रेजुएट डिमांड करती है कंपनी आपसे। साथ ही अगर हम अनुभव की बात करें तो 0 से 5 साल का अनुभव भी डिमांड करती है कंपनी आपसे, यानी कि अगर आप फ्रेशर हैं तो भी बेझिझक इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको नौकरी पसंद और आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड करना चाहते हैं इन्हें, तो इनके ईमेल आईडी पर अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड कर सकते हैं। इनका ईमेल आईडी का पूरा पता इस प्रकार है cv@hireindians.com। साथ इनका दूसरा ईमेल आईडी है cv@iihcrecruiters.com। इस पर से आप आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं। दोस्तों टीनेज में स्टूडेंट्स बहकावे में आकर गलत राह चुन लेते हैं जिसकी वजह से उनके करियर और लाइफ में बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती है। ऐसे में बच्चों को सही रास्ता कैसे दिखाया जा सकता है, चलिए जानते हैं सेंट जेवियर्स के फादर जॉन रवि से। सबसे पहले मेरा निवेदन है कि बच्चों से
फिर माँ बाप से, अपने भाई बहनों से, या जो स्कूल में रहते समय टीचर्सों से थोड़ा खुला ही दिल से बात करें। अब आज मैं देखता हूँ बच्चों में छिपाने की क्षमता आजकल आ रही है ज़्यादा, माँ बाप से बात छिपा लेते, टीचर से, अपने दोस्तों से ज़्यादा वफादारी रखते। तो मैं कहता हूँ बच्चों को, देखो दोस्त तो आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे, लेकिन माँ बाप जो अध्यापक अध्यापिक जो स्कूल में है वो आपके साथ चलने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले अगर हमें बच्चों में सुधार लाना है, सबसे पहले बच्चों को अपने माँ के प्रति, पिता के प्रति, स्कूल के प्रति एक अपनापन अपने दिल में महसूस होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कुछ दिन पहले एक लड़का आकर के बोला, फादर मेरे साथी लोग फोर्स कर रहे हैं सिगरेट स्मोक करिए, पी के देखो कैसे लगता है। तो इस प्रकार का नेगेटिव इन्फ्लुएंस उनको मिल रहा है। इसलिए ऐसे नेगेटिव, मैंने कह रहा कि इस माहौल से भागना है, सामना करना है, लेकिन सामना करने के लिए आपको एक सपोर्टिव सिस्टम चाहिए। वो सपोर्टिव सिस्टम केवल माँ बाप के द्वारा मिलेगा। अगर बच्चा माँ से पापा से खुले दिल से बोलेगा ये सब हो रहा है, बच्चे ये बता रहे, तब गाइडेंस की बात उठती है। आजकल मैं देखता हूँ बच्चों में माँ बाप से या टीचर से गाइडेंस लेने के लिए भी वो तैयार नहीं है, लेकिन बच्चे अपने दोस्त से सब कुछ बता देते हैं। तो मैं कहता हूँ अगर दोनों बच्चे पियर हैं और एक ही उम्र के हैं और दोनों में प्रॉब्लम चल रहा है, कैसे तुम एक दूसरे की मदद कर सकता है? जैसे दो अंधे कभी एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते, दोनों गड्ढे में जाएंगे या दोनों में ये दुर्घटना से मरेंगे। इस प्रकार बच्चों का हमें समझाना जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि बच्चों को माँ बाप के प्रति जो वफादारी है उसको और बढ़ाना चाहिए और उनको सोचना चाहिए मैं जो भी हूँ मेरे माँ बाप से स्कूल के चलते मैं हूँ। जैसे मैं कहता हूँ एक लाइफ विदाउट वैल्यू इज लाइक अ बॉडी विदाउट हेड। अगर जीवन में सब कुछ है, अगर कोई सिद्धांत नहीं है, मूल्य नहीं है, तो वो ज़िंदगी बर्बाद ही होगा। आप कुछ साल के लिए कामयाब हो सकते हैं लेकिन आपका लंबा नहीं चलेगा। अगर आजकल देखिए दुनिया को देखिए, वही बंदे हैं जो जिनके जीवन में कुछ सिद्धांत है, मूल्य के अनुसार जो उनका जीवन आधारित है, वही ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं और ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन ले सकते हैं। मैं कहता हूँ मेरा एक फेमस अंग्रेजी में कोटेशन है, व्हेन यू रन इट इज़ कॉल्ड अ रेस, यू नो व्हेन यू रन अलोन इट इज़ अ रेस, दौड़ है, लेकिन व्हेन गॉड रन्स विद यू इट बिकम्स अ ग्रेस। जब भगवान साथ में दौड़ता है तो आपको कृपा मिलती है, ग्रेस मतलब कृपा, अनुकंपा। तो इसलिए बच्चों को मूल्यों पर आधारित जीवन का हमें आगे बढ़ाना है। मेरा निवेदन है कि बच्चे कहीं भी जा रहे हैं, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, और स्कूल अथॉरिटी कॉलेज अथॉरिटी को ये मूल्यों पर, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पर ध्यान दें ताकि बच्चों को हम मेन स्ट्रीम में ला सकें। मैं समझता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सरकारी स्कूल में जो भी टीचर्स हैं बहुत अच्छे हैं, सबको ही उनको भी हम बढ़ावा दें, ट्रेनिंग दें और उनको भी कन्विंस करें कि जब तक जीवन में तो मूल्यों का और जो प्रिंसिपल जो है महत्व है उनका हम जोर नहीं देंगे तो वो सिचुएशन वही रहेगा। पेरेंट्स शुड इंटरवीन द लाइफ ऑफ स्कूल, घर में नहीं घर के बाहर भी, क्या करता है बच्चा, कहाँ जाता है, किसके साथ रहता है, तो देन यू विल बी एबल टू। स्मोकिंग इज़ वन एलिमेंट, वो है। आजकल ड्रग्स भी बच्चे यूज़ करना शुरू कर देते हैं, हुक्का पार्लर में जाते हैं और पोर्नोग्राफी साइट में जाकर के बहुत सारे अनवांटेड साइट्स देखते हैं। तो ये सब एक प्रकार का प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंट है, एवरीबडी हैज़ टू गो थ्रू। लेकिन यहाँ पर भी हमें बच्चों का मार्गदर्शन दिखाना जरूरी है और इसके लिए माँ बाप को, टीचर्स को बच्चों के लाइफ में इंटरवीन होना जरूरी है। कभी कभी हम सोचते हैं हाँ बच्चा ठीक है सीख लेगा, छोटा बच्चा कर, नहीं नहीं नहीं, जब गलती करता है हमें बताना पड़ेगा ये गलत है। जब तक बच्चे को नहीं बताएंगे शायद उनको उस समय उनको खराब लगेगा, लेकिन बाद में बच्चा महसूस करेगा जो भी माँ बाप ने मुझे बताया, टीचर्स ने बताया सही है, क्योंकि आज मैं अच्छा इंसान हूँ क्योंकि मैंने वो गलती दोबारा नहीं किया। जब तक यूथ का हम नहीं सुधारें उनके दिल दिमाग में ये ना कि ये हमारा देश है, अगर इंडिया को आप अच्छा देश मानना चाहते हैं कि सबसे पहले हमें कुछ करना पड़ेगा, सिविक सेंस डेवलप करना पड़ेगा, एक जिम्मेदार वफादार इंसान बनना पड़ेगा, तब तक अब वो अनुभव नहीं होगा जिंदगी में कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं समय आशा रखता हूँ कि हमारा यूथ बहुत कैपेबल है, उनमें बहुत क्षमता है, लेकिन उसको सही ढंग से टैप करके उसका अच्छा इंसान। तो दर्शकों आज के इस रोजगार समाचार में इतना ही। उम्मीद है कि हमारे शो आपको किसी न किसी तरह की जानकारी देने में जरूर सफल रहा होगा।
और अगर आप भी अपनी कंपनी के लिए कोई भी एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम उस नौकरी की वैकेंसी को हमारे शो में फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टाइज करें, तो आप आपकी जॉब प्रोफाइल की पूरी डिटेल्स हमें हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है rozgarfirst@firstindianews.com। साथ ही आप रोजगार अलर्ट के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं जो कि firstindianews.com। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।